दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, एक गहरी लंबी सांस। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी लोग मेरे साथ मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूँगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट GRF एग्जाम क्लियर करूँगी, विश्व में योग का पताका लहराऊंगी, मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है, मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास अजय मनोबल है। ओम 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 शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हथेलियों को रब करेंगे, धीरे से अपने आँखों पर रखेंगे, धीरे से आँखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते। क्लियर है स्क्रीन? एनीवन? यस मैम। ओके, तो कल हमने पोल्यूशन स्टार्ट किया था, राइट? पोल्यूशन तक पहुंचे थे हम लोग। 5 types ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड या तो सॉइल पोल्यूशन, नॉइज और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये हमारे टॉपिक्स है पोल्यूशन में। तो कल हमने एयर पोल्यूशन देखा, फिर वाटर पोल्यूशन भी देखा। वाटर पोल्यूशन में उसके प्रिवेंशन भी देखे कि कैसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है, सेवेज ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सभी चीज़ें हमने देखी कल। कॉसेस भी देखे, राइट? प्रिवेंशन तक पहुँचे थे। और गवर्निंग बॉडीज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में कवर अप कर लेंगे, राइट? तो सम ये स्लाइड एक रह गई थी वाटर की। तो प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब प्रिकॉशन जो लिए जाते हैं, गवर्निंग बॉडी मतलब जो वाटर का या तो जो गवर्नमेंट है जो पानी की सब देख रेख करते हैं या तो वाटर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो लिए जाते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1974 टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। एक्ट आया गया था 1974 में जिससे कि वाटर पोल्यूशन प्रिवेंट होता है। उन्होंने सब प्रिकॉशंस लिए और उसके ऊपर पूरा फोकस किया था। और एक है जो UN है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, रिस्पॉन्डेड बाय डेजिग्नेटिंग, उन्होंने भी वाटर को इम्पोर्टेंस देते हुए उसकी पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए स्वच्छता अभियान जैसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए वाटर पोल्यूशन के लिए 22 मार्च 1993 एज द फर्स्ट वर्ल्ड वाटर डे। सब डेज आते हैं, राइट? दिस इज द ये इसका डे है उसका डे, वैसे सेलिब्रेट करते हैं योगा डे, वैसे ही वर्ल्ड वाटर डे जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था। ये डेट आप याद रखेंगे, 22 मार्च 1993। ओके, आज का हमारा नया टॉपिक थर्ड पोल्यूशन। पहले हमने देखा एयर देखा था, फिर वाटर देखा, नाउ विल सी लैंड या तो सॉइल पोल्यूशन भी इसे कहा जाता है, राइट? तो डेफिनेशन हम देखेंगे कि व्हाट इज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन और अ डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ द अर्थ सरफेस एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस। जो भी ह्यूमन एक्शंस है उसकी वजह से जो अर्थ की एक नेचुरल क्वालिटी है, राइट, उसके पास मिनरल्स है, सभी चीजें हैं, तो उसमें जब डिक्लाइन या तो कमी आती है या तो उसकी क्वालिटी खराब होती है, डिस्ट्रक्ट होती है, देन वी कॉल इट एज लैंड पोल्यूशन। भूमि प्रदूषण मानव कार्यों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह की गुणवत्ता में गिरावट या विनाश को संदर्भित करता है। क्लियर है यहाँ पे डेफिनेशन हिंदी? आगे चले हम। तो कॉसेस क्या बताए गए हैं लैंड पोल्यूशन के या तो सॉइल पोल्यूशन के? डिफॉरेस्टेशन, जब बहुत सारे ट्रीज या तो पेड़ पौधे काटे जाते हैं, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। एंड सॉइल इरोशन, व्हाट इज सॉइल इरोशन? की हवा की वजह से या तो पानी की वजह से
मिट्टी की ऊपरी परत धुल जाती है, राइट? अगर बहुत सारी बारिश आती है, सॉरी बंद, बहुत सारी बारिश आती है तभी, या तो बहुत हवा बहती है तब मिट्टी की ऊपरी परत में कमी आ जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोशन। अगर पानी है तो पानी में उसके साथ बह के किसी और जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, और अगर विंड है तो उसके साथ उड़ के भी किसी और जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, तो जहां से वो गई है तो वो जगह पे सॉइल इरोशन हो जाता है, राइट? डिफोरेस्टेशन और सॉइल इरोशन, सबको समझा? क्लियर है डेफिनेशन? लेकिन फिर उससे पोल्यूशन कैसे होगा ना, सॉइल? कॉजेस मतलब कट जाते हैं, तो मिट्टी की गुणवत्ता, अगर पेड़ पौधे हैं, राइट, पेड़ पौधे हैं तो मिट्टी को पकड़ के रखता है, अगर आपने बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए तो इजीली वो सॉइल इरोशन हो जाएगा, जब पानी का बहाव आता है मिट्टी धुल जाती है ना, इसलिए तो बोलते हैं ना कि प्लांट मोर ट्रीज, ताकि आपकी मिट्टी जहां है वहीं रहे, नहीं तो बाय वाटर और विंड वो उड़ जाती है तो बह जाती है, तो वहां की जो जमीन है वहां पे जगह है उधर वो खराब हो जाएगा ना उसकी क्वालिटी, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी लेयर को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, जो सॉइल है ना ऊपर की, बहुत सालों के बाद वो लेयर बनती है मिट्टी की ऊपर की, ये एक बहुत स्लो प्रोसीजर है। क्लियर है? डिफोरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों का कटाव, एंड सॉइल इरोशन मतलब धुल जाना बाय वाटर और विंड। ओके, एग्रीकल्चरल एंड माइनिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज करते हैं, या तो घड़ी घड़ी एक ही टाइप के क्रॉप्स मतलब सो करते हैं, राइट, वहां पे उगाते हैं तो भी मिट्टी में कमी आ जाती है, और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की वजह से भी मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, राइट? दिस इज द एग्रीकल्चरल फ्लोज। एंड माइनिंग एक्टिविटीज मतलब खनन कार्य, खोदते हैं मिट्टी को, तो नीचे ऊपर की पूरी लेयर वो लोग, अपने सुना भी होगा राइट, माइनिंग होती है यहाँ से मतलब खोद खोद के दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो जगह पूरी खराब हो जाती है माइनिंग एक्टिविटीज। ओके, और ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स मतलब कचरा, लैंडफिल्स आर द जहाँ पे कचरा जमा करते हैं, तो वहां की भी मिट्टी खराब हो जाती है, राइट, पोल्यूट हो जाती है क्योंकि कचरा डंप कर रहे हैं हम। ओके, न्यूक्लियर वेस्टेज मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें या तो न्यूक्लियर चीजें उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, वो हम वेस्टेज में जमीन पे डाल देते हैं, या तो डिक करके उसके अंदर डालते हैं बहुत सारी जगह पे, क्योंकि मालूम नहीं उसका क्या करना है। रीसेंट टाइम में ऐसी भी संस्थाएं हैं जो न्यूक्लियर वेस्ट या तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इकट्ठा करके ले जाते हैं, मालूम है ना सबको, दे कलेक्ट ईच इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स और वो कलेक्ट करके उनका प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए, राइट? क्लियर है यहाँ तक चार पॉइंट्स? यस मैम। किसी को डाउट है? डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ओवरक्राउडेड लैंडफिल्स और न्यूक्लियर वेस्टेज, ये सब मिट्टी की या तो लैंड की क्वालिटी खराब करते हैं, दैट मींस पोल्यूट करते हैं। ओके, और सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जो बेकार पानी है, यूज है, जिसमें बहुत सारी केमिकल्स है, सीवेजेस है, वो उसकी ट्रीटमेंट करके, करने के बाद या तो बिना किए हुए मिट्टी में मिला देते हैं। ओके, जो कचरे वाला पानी है, या तो ट्रीटमेंट के बाद भी जो कचरा निकलता है वो मिट्टी में डाल देते हैं। ओके, और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो जमीन पे ही रहेगी, राइट, तो उनकी वजह से मिट्टी में जो पोरोसिटी या तो हल्कापन रहता है, बहुत बड़ी जगह पे इंडस्ट्रीज रहती है और उनका कचरा रहता है, और वो पूरी जमीन को यूज कर लेते हैं उनके काम के लिए, राइट, तो उसकी नेचुरल क्वालिटी को हार्म पहुंचता है, तो वो पूरी सारी जमीन तो वेस्ट हो गई ना जो इंडस्ट्रियल एरियाज ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट, जैसे कि पावर प्लांट है, सोलर प्लांट है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, पूरी जमीन को और नेचुरल चीजें उसमें नहीं डालते, बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैज टू ग्रो ट्रीज अराउंड देम, बहुत सारे पेड़ पौधे उन्हें उगाने चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए ताकि लैंड पोल्यूशन और सोयल पोल्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल में रहे, राइट, तो ये सारे चीजेस है, मैम कॉजेस है। ये सीवेज ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सेम ही हुआ ना? सीवेज ट्रीटमेंट तो हाउस होल्ड से भी निकलता है ना, हम घर में जो भी पानी यूज करते हैं जिसमें या तो डिटर्जेंट रहता है, सोप्स रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, सीवेज तो इंडस्ट्री से या तो हाउस होल्ड दोनों जगह से निकलता है ना। सीवेज मतलब यूज्ड पानी, कचरे वाला पानी, खराब पानी,
तो वो तो हाउसहोल्ड से भी निकलेगा, इंडस्ट्री से भी निकलेगा, दोनों जगह से, फैक्ट्रीज कहाँ से भी आएगा। बट वो खराब पानी कभी कभी वो विथआउट ट्रीटमेंट वो ऐसे ही जमीन पे छोड़ देते हैं, तो वो पूरी जमीन खराब कर देती, क्योंकि वो खराब पानी है, विथ केमिकल्स वाला है। अंडरस्टूड? यस इफेक्ट, अगर ये सारे कॉजेस हैं, इन सारी चीजों से हमारी जमीन या तो सॉइल जब खराब होती है तो उसकी क्या क्या इफेक्ट होती है। एक तो पहला ही कि वो सॉइल खराब हो गई, पोल्यूटेंट्स आ गए, उसकी नेचुरल क्वालिटी उसने लूज कर दी, वो मिट्टी किसी काम की नहीं रहती है, प्लांट्स वहां पे अच्छे से ग्रो नहीं होते, कुछ भी नहीं हो पाता है वो, तो वो सॉइल पोल्यूट हो गई, राइट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे भी उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, प्लांट्स या तो वेजिटेबल्स जो भी हम खाते वो तो ग्रो होने चाहिए ना, वही नहीं होंगे तो एनवायरमेंट पे इफेक्ट आएगा ही, जो उन चीजों को खाते हैं उसमें कमी आ जाएगी, प्लांट्स ही नहीं ग्रो होंगे। बड़ी मतलब जब बड़े अमाउंट में जमीन खराब हो जाती है, सॉइल खराब हो जाती है, उसमें रहने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, राइट। तो पूरा एक एनवायरमेंटल इफेक्ट आता है एनवायरमेंट पे भी, क्योंकि प्लांट्स वगैरह वो जमीन पे ग्रो नहीं हो पाते, कुछ भी नहीं हो पाते, वो यूज ही नहीं कर पाते हम ऐसी बेकार जमीन, राइट। और ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट, ये सब इंटर रिलेटेड चीजें, एक बार सोइल खराब हो गई पूरी इकोसिस्टम या तो वो साइकिल ही खराब हो जाती है, वहां पे पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, छोटे सूक्ष्म जीव वो उन पे डिपेंडेंट है, वो भी नहीं ग्रो हो पाएंगे, पूरी वो एरिया ही साफ हो जाएगा, राइट। कि हमने वो खराब ही कर दिया वो पार्ट, तो कहाँ से वो सिस्टम डेवलप होगी जो वहां पे रहते थे वो, और उसकी इफेक्ट भी जमीन, वो गंदगी पूरी फैलेगी, जमीन की स्मेल भी आती है, और उसके वजह से देखिए ये फोटो दिख रहा है आपको, अगर खराब है सॉइल, उसमें पोल्यूटेड है वो जमीन, तो गंदी चीजें वहां पे डेवलप होगी, राइट। फॉल स्मेल आएगी, उससे एस्थमा भी हो सकता है, या तो कोई भी इफेक्ट हो सकती है ह्यूमन हेल्थ पे, राइट। और डिस्ट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट मतलब अगर ऐसी गंदगी फैली हुई है तो कोई भी टूरिस्ट या तो बाहर का विदेशी आदमी जब हमारे देश में आता है तो इट इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पे बहुत फोकस किया था सालों पहले, याद होगा सबने, कि क्लीनलीनेस होनी चाहिए, स्वच्छता अभियान, राइट। क्योंकि इस पे खराब असर पड़ता है कि गंदी चीजें हैं, गंदा दिखाव है, जमीन ही खराब है, तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है बल्कि डिस्ट्रैक्ट करता है, उनका ध्यान वहां पे फोकस होता है, एंड इट्स नॉट गुड, राइट। इफेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, पहले भी मैं बोला ना, ये सभी अंदरों अंदर इंटरकनेक्टेड है, कि वाइल्ड लाइफ जो भी जीव जंतु या तो थोड़े उससे बड़े भी जहाँ पे रहते हैं वो वहां से शिफ्ट हो जाएंगे, वहां डेवलप नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं है, पानी नहीं है, तो वो रहेंगे कैसे, तो जो पूरा इकोसिस्टम उधर डेवलप हुआ था वो खराब हो जाएगा। फाइन, आगे चले हम, सोइल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, डिस्ट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, और इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, जो वहां पे रहते हैं सब जीव उन पे भी इफेक्ट करेगा। तो सॉइल अगर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं लैंड पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। बोलते हैं ना 3 R, ऐसे बोला जाता है, किसने पहले भी पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, 3 R's आर देयर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये पहले तो ज्यादातर जो चीजें हैं वेस्ट चीजें हैं उनको, प्लास्टिक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जल्दी डिग्रेड नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, तो उनको आप कम यूज करो, और अगर बहुत ही कंपलसरी है कि चाहिए ही चाहिए, देन रीयूज इट। बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स पे भी लिखा होता है इट्स रीयूजेबल, पॉलीथीन बैग पे भी लिखा होता है इट्स रीयूजेबल, इसलिए तो अभी पॉलीथीन बैग बंद करके पेपर बैग्स भी यूज में आ रहे हैं, राइट। तो या तो आप पहले उनका यूज ही कम कर दो, फिर अगर जरूरी है तो उनको रीयूज करो, बहुत 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 बार रीयूज करो, ताकि कचरा जमा ना हो, राइट, क्योंकि उनको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम जाता है, और वो जमा होके मिट्टी की लेवल को या तो लैंड को पोल्यूट करता है और खराब करता है, और ऐसी चीजों को कलेक्ट करके रिसाइकल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सिटीज में भी रहते हैं रिसाइकल बिन, जहाँ पे प्लास्टिक की चीजें जमा की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जमा की जाती है, उनको अलग अलग लेके जाते हैं, फिर उनको पूरा रिसाइकल करके नई चीजें बनाने में यूज कर लेते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक? मैम, वो लास्ट में स्लाइड में लेफ्ट साइड में रिसाइकल के बाद कुछ तो भी था ना, कंपोस्ट है क्या? मुझे भी क्लियर पोस्ट नहीं। कमीशन सभी कंपोस्ट ही।
1 मिनट। सॉरी, ये वाला ना, नीचे वाला ना, कंपोस्ट है, रिसाइकल, या तो उसको कंपोस्ट किया जाना चाहिए। ओके, क्लियर है? जो कंपोस्टेबल है, मतलब उसका वापस एकदम डिग्रेड हो सकती है, वैसी चीजों को कंपोस्ट करके उनको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्लियर था लैंड पोल्यूशन? वापस एक बार देख ले, व्हाट इज लैंड पोल्यूशन, डेफिनेशन क्या क्या, उसके कॉजेस है, इफेक्ट क्या क्या होती है, और प्रिवेंट हम उसको कैसे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हमने सभी टाइप के पोल्यूशन ऐसे ही देखे हैं, एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, और हमारा ये लैंड पोल्यूशन, थर्ड पोल्यूशन कवर अप हो चुका है। एवरीवन इज क्लियर? यस मैम। स्पीड ज्यादा नहीं है ना, कोई कंफर्म किसी को स्पीड में नहीं हो रहा है ना, हम स्लोली जा रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे हम। नॉइस पोल्यूशन, व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन में भी डिफाइंड एज एनवायरमेंटल नॉइज दैट कॉजेस फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज इफ द वॉल्यूम इज हाई और एक्सपोजर इज प्रोलोंग। नॉइस पोल्यूशन क्या है? ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरणीय शोर के स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मात्रा अधिक होने या लंबे समय तक रहने पर शारीरिक या तो मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बनता है। नॉइज तभी बोलते, नहीं तो हम साउंड बोलते हैं। व्हेन वी कॉल इट नॉइज, जब एक नॉर्मल लेवल से ऊपर जाता है, तभी हम उसको नॉइज बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं, शोर बोलते हैं, राइट? नहीं तो आवाज बोलते हैं। शोर कब बोलते हैं? जब वो नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है, राइट? तो ये भी एक वन टाइप ऑफ पोल्यूशन है, जो अलग अलग चीजों से या तो हमें फिजिकली या तो मेंटली डैमेज पहुंचाता है। ओके, नॉइज इज ऑल्सो डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड वेर इट इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सॉरी, क्या है नॉइज? जब ऐसी आवाज जो हमें नहीं पसंद है, जो नहीं जरूरी ही नहीं है, और हमें इरिटेट करती है या तो स्ट्रेस देती है। शोर को अवांछित ध्वनि के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जहाँ यह एक अड़चन और तनाव का स्रोत है, राइट? इट इज नॉट गुड फॉर इट, या तो वो हमें इरिटेट करता है या तो हमें स्ट्रेस देता है। कभी भी कोई भी हाई पिच साउंड या तो हाई नॉइज हमें पसंद है क्या? नहीं, वी डोंट लाइक इट। चाहे वो एरोप्लेन की आवाज हो, व्हीकल्स जब हॉकिंग करते हैं वो आवाज हो, कोई भी आवाज, या जब नॉर्मल लेवल से ऊपर जाती है, तो हम उसे शोर या तो नॉइस कहते हैं, राइट? तो ये नॉइस पोल्यूशन और उसकी डेफिनेशन। तो नॉइस को हम, या तो मेजरमेंट ऑफ साउंड, हम आवाज या तो ध्वनि को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट रहेगा, राइट? ये उसका मेजरमेंट है। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, डेसिबल इज डिनोटेड एज स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। द यूनिट वॉज चूजन इन द ऑनर ऑफ एलेक्जेंडर ग्रहम बेल हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। उनको रेस्पेक्ट देते हुए साउंड का यूनिट डेसिबल रखा गया है। क्लियर है? ये हम याद रखेंगे, पूछ भी सकते हैं, राइट? मेजरमेंट ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। सोर्सेस क्या है नॉइस पोल्यूशन के? वट आर द सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन? ये सब कॉमन सोर्सेस है। एक तो इंडस्ट्रीज की आवाज रहती है, दूसरी व्हीकल्स की प्रोमिनेंट है, वो तो सब सुन पाते हैं हम लोग, या साउंड एम्पलीफायर, जब कोई फंक्शन या तो त्योहार रहता है, तब बड़ी बड़ी म्यूजिक सिस्टम्स या तो लाउड स्पीकर पे बहुत जोर जोर से आवाज निकाली जाती है, दैट टाइप ऑफ थिंग। दिवाली के टाइम पे या तो फंक्शंस पे क्रैकर्स या तो फटाके फोड़ते हैं, उनकी आवाज भी हाई रहती है। इट इज वन टाइप ऑफ नॉइज। पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड फाइटर जेट्स, इनकी भी बहुत जोर से या तो नॉर्मल हियरिंग लेवल से बहुत ही हाई पिच आवाज रहती है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड फाइटर जेट की। ये क्लियर है सभी को? इट्स वेरी सिंपल, राइट? नॉइज पोल्यूशन, ये तो जो भी हमारे ये टॉपिक है, राइट? वी फील इट इन अवर डेली लाइफ, ये सब चीजें हमारे आसपास है, बट जस्ट वी डोंट स्टडी इट। हम ऐसे थियोरिटिकल कभी उनको स्टडी, हमने देखा, सुना, समझा, सब है,
ये पूरा टॉपिक ऐसा ही है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते हैं, बट ये हम खाली थियोरेटिकल एग्जाम के लिए लर्न कर लिए, इसलिए नया लग रहा, बाकी इट इज नथिंग न्यू, ये हमारी डे टू डे लाइफ ही है, राइट? आगे चले हम, एनी डाउट? नो मैम, नो मैम। ओके, तो कॉजेस है या सोर्सेस, या तो कॉजेस और इफेक्ट। अगर नॉइस पोल्यूशन है, पोल्यूशन है तो उसकी खराब इफेक्ट ही होगी। फर्स्ट वन इज हियरिंग लॉस। अगर हम ज्यादा देर तक ऐसी आवाजें जो कि नॉइज कहलाती है, शोर कहलाती है, तो धीरे 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 हम कम सुन पाते हैं, हमारा धीरे धीरे आवाज की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, ये एक हमारा इफेक्ट है ज्यादा देर तक शोर सुनने का। सेकंड वन इज मास्किंग। व्हाट इज मास्किंग? नेचुरल साउंड्स रहती है, राइट? बर्ड्स की, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आवाज निकालते हैं, ये उनकी लैंग्वेज है, और उससे वो कोड लैंग्वेज है, और वो हम सुनना जरूरी है। हनी बीज रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, छोटे छोटे दूसरे बहुत सारे सब चीजें आवाज करती है, राइट? छोटे छोटे एनिमल्स और बर्ड, ये उनकी एक लैंग्वेज है, और इतने सारे शोर में हम ये उनकी जो मास्किंग है, तो लैंग्वेज है, आवाज है, वो हम नहीं सुन पाते हैं। कभी कभी हमें हिंट भी मिलती है, ऐसे बोलते हैं ना कि पशु पक्षियों को अगर कोई भी चीज होने वाली हो खराब, उनको पहले मालूम हो जाता है, एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक, एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, राइट? अर्थक्वेक के टाइम जैसे कि डॉग्स रहते हैं, काउज रहते हैं, तो बर्ड्स या तो मंकीज, उन सभी को पहले मालूम हो जाता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और वो एक आवाज निकालते हैं और पास ऑन करते हैं एक दूसरे को मैसेज। दिस इज नोन एज मास्किंग। तो वो हम शोर की वजह से सुन नहीं पाते हैं, राइट? दूसरे हैं कि नॉइज की इफेक्ट, नॉइज अफेक्ट्स द हार्ट रेट। हमारे हार्ट रेट बढ़ सकते हैं, आवाज की वजह से हमारे हार्ट रेट ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जोर जोर से आवाज आती है स्टीरियो के या तो स्पीकर के बाजू हम बैठे हैं, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। पेरिफेरल सर्कुलेशन, बॉडी में सर्कुलेशन भी, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ा तो ऑब्वियसली सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स भी चेंज, हम फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, राइट? ये सभी हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, नॉइज पोल्यूशन। ओके, परसिस्टेंट नॉइजी एनवायरमेंट। परसिस्टेंट मतलब बहुत ज्यादा देर तक वही एनवायरमेंट जहाँ पे शोर होता रहता है, तो वो हमें इरिटेट करता है, हेडेक भी हो सकता है, स्लीपलेसनेस बाय डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि नींद ही नहीं आती। वैसे ही माहौल में, वैसे ही शोर वाले माहौल में आप ज्यादा देर तक रहेंगे तो ये सारी चीजें क्रिएट होने लगती है, या फिजिकल एंड मेंटल, आगे हमें देखा ना, साइक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल थिंग्स होने लगती है। क्लियर है सभी को? एनीवन? ये यस। पेरिफेरल का एक बार बता दीजिए ना, सर्कुलेशन। पेरिफेरी मतलब जो आउटर ऑर्गन्स रहते हैं, जो आउटसाइड के ऑर्गन्स है, पेरिफेरल सर्कुलेशन जो बॉडी के बाहरी चीजों पे जो सर्कुलेशन होता है, राइट? ये मेडिकल टर्म है, तो थोड़ा हम जब सिस्टम देखेंगे, पेरिफेरल सर्कुलेशन, वहां पे हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ा मतलब हार्ट विल स्टार्ट पंपिंग फास्ट, राइट? तो बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेशन भी बढ़ेगा ना। यू हम अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग, सादी चीज हम समझते कि हार्ट रेट बढ़ा, पंपिंग बढ़ा, तो ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, राइट? ओके, और हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स भी चेंज होने लगती है। हम इजीली, या तो जब हम काम रहते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, तब हमारे हार्ट रेट कैसा रहता है? स्लो रहता है, सर्कुलेशन भी एकदम नॉर्मल रहता है, और ब्रीदिंग भी हमारा शांत रहता है। ये उसके ओपोजिट चीजें हैं कि जब नॉइस रहता है तो हमारे बॉडी में फिजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, दिस इज द चार्ट। टिपिकल एवरेज डेसिबल लेवल, ये आवाज का ये सोर्स है, और ये डीबीए है। एक आई थिंक मैंने लिखना भूल गई कि अभी के टाइम में रिसेंटली डाल दूंगी मैं, नहीं तो अभी जो है साउंड इज मेजर्ड इन डी बी ए, ये नया यूनिट है। मैं डाल व्हाट दूंगी डू एक मीन लाइन बाय ए? ऐसे ऐड किया, आई डोंट नो, मैंने ये पढ़ा है कि
द न्यू यूनिट फॉर मेजरिंग द साउंड इज डीबीए, और ये वाला यूनिट पिच, पिच मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, हाई पिच लो पिच नहीं, क्या तीक्ष्ण आवाज रहती है, साउंड तो है बट उसमें एक तीखापन ऐसे शार्पनेस रहती है, हाई पिच साउंड एंड लो पिच साउंड, पिच का आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, तो उसको ये मेजर करती है दिस वन न्यू यूनिट, ये पिच को भी मेजर कर देती है दिस वन, ये मैं डाल दूंगी मेरे पास है, मैं ऐड कर दूंगी स्लाइड में, ओके ये रीसेंट है, रीसेंट टाइप का मेजरिंग यूनिट ऑफ साउंड डीबी मैम कैपिटल ये के, ए का मतलब वेटेड डेसिबल बोला है गूगल। ओके तो रहेगा या आई डोंट, मैंने ये सुना था, मैं शायद इसमें ऐड करना भूल गई, पर ये पिच को भी मेजर करता है, लिखा है क्या, पिच भी ये मेजर कर देता है, दिस इज अ न्यू यूनिट। ओके थ्रेशोल्ड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हियरिंग, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो। क्वाइट विस्पर मतलब हम गुनगुनाते हैं ना धीरे धीरे, खुसफुस करते हैं, दैट इज उसका मेजरिंग है डीबीए 30, ये यहाँ पे ए लिखा था इसलिए मुझे याद आ गया। ओके ये रीसेंट है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो कि हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा ये साउंड का मेजरिंग कितनी पिच तक जाएगा, कितनी आवाज तक लेवल तक, इट्स 60, ये हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं राइट, नॉर्मल आवाज में, और जब हम छोटे धीरे धीरे बोलते हैं तो उसे ये यूनिट्स याद रखेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ ऑटोमोबाइल, या तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, कभी ये शायद पूछा गया है, जीरो वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद नहीं, पर आई थिंक 99% ये पूछा गया है ऑटोमोबाइल्स का भी, और जेट प्लेन्स का, जेट प्लेन्स जो एकदम जोर से आवाज आती है राइट, ऐसे कान में वो नंबनेस आ जाती है, दैट इज 130। ओके ये सब हम याद रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है, धीरे धीरे बोलते हैं दैट इज 30, नॉर्मल जो अब हम बोल रहे हैं दैट इज 60, ये सेंटर है, लाउड अगर हाई पिच में गाते हैं तो 75, 80 एंड 130, ये चार्ट एक बार लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इजी, याद भी रह जाएगा, या तो अगर क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस में भी पूछेंगे अलग अलग तो भी आपको याद रह जाएगा। जाए हम आगे, आगे चले, यस 1-2 मिनट मैम। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस थ्रेस होल्ड ऑफ हियरिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ओके बेसिक स्टार्टिंग बॉटम पॉइंट ऑफ हियरिंग, ये फिफ्थ वाला है। फर्स्ट हमने कोई बोलेगा, हमने कितने टाइप के पोल्यूशंस अभी तक कवर किए, लास्ट क्लास और आज, लास्ट क्लास में हमने दो कवर अप किए थे, पुष्पलता जी आप बोल दीजिए, लास्ट क्लास में हमने क्या दो कवर किए थे पोल्यूशन, 1 मिनट वाटर मैम, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन, यस वाटर यस राइट इफेक्ट्स, ओके, और आज हमने दो और कवर किए, दैट वेर लैंड पोल्यूशन, एंड सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। ओके या नॉइस पोल्यूशन। हमारे चार कवर हो गए, दिस इज द फिफ्थ वन दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। कोई सिंपल लैंग्वेज में बोलेगा क्या, व्हाट इज रेडियो एक्टिवनेस, व्हाट इज रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी प्रदूषण या शायद। जब कोई भी चीजों से ऐसे रेज या तो रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये हिंदी में भी है मैंने लिखा है, तो हम पहले इंग्लिश में रेडिएशन ही देख, आ गया ना मैम, यस यस रेडिएशंस जो रेडिएशन, जो एमिट यस। करता है रेडिएशंस को, वी कांट सी द रेडिएशंस, ओके वो हम नेकेड आंखों से देख नहीं पाते रेडिएशंस राइट, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या तो चीजें रहती है जो देखते हैं या तो मेजर करते हैं रेडिएशंस को कि कितने अमाउंट में रेडिएट हो रहा है, क्या चीजें रेडियो एक्टिव है, उनके लिए अलग अलग, वो एक अलग ही साइंस है जो ये डिफाइन करता है रेडियो एक्टिव थिंग्स को। हम सिंपल बेसिक जो हमारे सिलेबस में है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, हम ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे, हमें जनरली क्या जानना है कि पांच टाइप के पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या तो सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ओके ये हमारे पोल्यूशन के पांच मेन टॉपिक्स हैं, सभी के हमने कॉजेस देखे, इफेक्ट देखी और प्रिवेंशन, सभी का हम ये जनरली करते जा रहे हैं राइट, तो ये हमारा फिफ्थ वाला है पॉइंट, व्हाट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द फिजिकल पॉल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन एनवायरमेंट
एज ए रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, फिजिकल पोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ये हमें तो डैमेज करता ही है फिजिकली, प्लस हमारे वातावरण को या तो एनवायरनमेंट को, आजू बाजू चीजों को भी पोल्यूट करता है. वॉट? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, राइट? सॉरी, ओके. इन टू देन एज ए रिजल्ट ऑफ, और ये कैसे होता है? इट कम्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इन टू द एनवायरमेंट ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. सेकेंड वन, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन एंड डिकमिशनिंग. डिकमिशनिंग मतलब प्रोडक्ट करना, प्रोड्यूस करना और उनको खत्म कर देना, राइट? डिकमेंसिनेशन, सॉरी, डिकमेंसी आइनिंग, डिकमेंशनिंग, माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ऑर्स. बहुत सारी चीजों हैं जो जमीन में है और वो रेडिएशंस रिलीज करती है, या रेडोन एक है. हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सीडेंटेड, इतनी सारी चीजों से रेडिएशंस होते हैं एनवायरनमेंट में, जो हमें फिजिकली या तो हमारे एनवायरनमेंट को फिजिकली डैमेज करती है, राइट? जैसे कि हम हिंदी में भी डायरेक्ट देखेंगे तो एक साथ क्लियर हो जाएगा. रेडियोधर्मी प्रदूषण को जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के भौतिक प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नंबर वन, परमाणु विस्फोट और परमाणु हथियारों के परीक्षण, परमाणु हथियार उत्पादन और डिकमिशनिंग, जो हमने देखा कि उनको खत्म कर देते, या तो प्रोड्यूस करते और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट? रेडियोधर्मी अयस्कों के खनन, जब उनको बाहर निकालते हैं ओर्स को, तब उनके हैंडलिंग और निपटान के दौरान पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ की रिहाई के परिणाम स्वरूप होता है. रेडिएशंस या तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन सारी चीजों से होता है. क्लियर है दोनों डेफिनेशंस? जब या तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, या तो उनको खत्म करते हैं, या तो एक्सप्लोजन होता है, या तो टेस्ट करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत सारे कंट्रीज करते हैं, या फाइन, या तो उनको जब हैंडल मैम किया ये जाता है, रेडॉन, रेडॉन क्या होता है? एक मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है, जो उसमें से नेचुरली रेडिएशंस निकलते हैं, रेडॉन. और सन, सन आगे देखेंगे, चले आगे देखते हैं. रेडिएशन कैन बी नेचुरल, दो चीजों से रेडिएशन होता है, नेचुरली भी या तो ह्यूमन एक्टिविटीज. रेडन तो नेचुरल है, ये उसमें से अपने आप ही रेडिएशंस निकलते हैं, राइट? सन में से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, ये तो सबको मालूम है. सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट इज वन टाइप ऑफ रेडिएशन, सन से भी होता है रेडिएशन, मालूम है ना सबको? यस यूवी मैम, रेज, यूवी रेज, या मोस्ट रेडिएशन एक्सपोजर इज फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस. रॉक्स से भी रेडिएशन होता है, अर्थ के क्रस्ट से भी होता है, और एंड कॉस्मिक अमोंग अदर सोर्सेस, मतलब बहुत सारी चीजें नेचुरल सोर्सेस से भी ये होता रहता है. दिस आर द नेचुरल सोर्सेस. देखिए, विकिरण प्राकृतिक हो सकता है या मानवीय गतिविधियों से हो सकता है, बोथ मेथड, नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. अधिकांश विकिरण जोखिम प्राकृतिक स्रोत से होता है, नेचुरल, हमने देखा ना रेडॉन, इट्स वेरी रेडियो एक्टिव, ओके, उसमें से बहुत ही रेडिएशंस निकलते हैं, राइट? जो कि पृथ्वी की चट्टाने, पृथ्वी की पपड़ी और अन्य स्रोत से भी, नेचुरल चीजों से भी. ये हम दो सिंपल चीजों में करेंगे कि आर्टिफिशियली भी होता है और नेचुरली भी होता है. टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन, राइट? फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एंड फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेस. ओके, देखिए, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. यूवी रेज फ्रॉम सन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन ह्यूमंस, ये तो सबको मालूम है, राइट? जरूरी है हमारे लिए यूवी रेज, अगर सनलाइट नहीं है तो हम स्किन में जो प्रोड्यूस करती है अपने आप विटामिन डी, वो नहीं होगा अगर स्किन को सनलाइट नहीं मिलेगी तो. बट टू मच एक्सपोजर प्रोड्यूसर्स सनबर्न एंड पोटेंशियली स्किन कैंसर. अगर ज्यादा देर तक यूवी रेज मिलते हैं तो सनबर्न हो जाते हैं, टैन हो जाती है पूरी स्किन, ऐसे बर्न्स हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, या तो स्किन कैंसर भी हो सकता है. द स्किन टिश्यू गेट्स डैमेज एंड द डैमेज ऑफ डीएनए थ्रू, डीएनए में भी म्यूटेशन होने लगते हैं, कुड नॉट बी रिपेयर्ड प्रॉपरली एंड हेंस ओवर टाइम कैंसर डेवलप्स एंड कुड बी फेटल. तो ज्यादा
नेचुरल सोर्स भी अच्छा नहीं है, राइट? सनलाइट जरूरी है, यूवी रेज जरूरी है, बट ज्यादा अमाउंट में इट्स वेरी हार्मफुल। कोई भी टाइप का रेडिएशन, चाहे वो नेचुरली क्यों ना हो, बट इट्स हार्मफुल एंड कभी कभी फैटल भी हो सकता है, लाइफ टेकिंग भी हो सकता है, राइट? द डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर में इंक्रीज अवर एक्सपोजर टू यूवी रेज एंड थस इट कॉसेस कैंसर। ओजोन लेयर का हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि अगर ओजोन लेयर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर वो डिप्लीशन, मतलब उसमें कमी आ गई, होल्स हो गए, पतली हो गई, तो यूवी रेज आसानी से हमारी तरफ पहुंच सकते हैं और हमें स्किन कैंसर का जोखिम है या तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। कभी कभी रेडिएशन से वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू सबने सुना होगा, एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, जी सुना है? जी प्रथम विश्व युद्ध 1940 हाँ, और 1939 में हुआ था, तो वहां सेकेंड। पे यस, वो बॉम्ब की वजह से बहुत सारे रेडिएशंस क्रिएट होते थे कि सॉरी हुए थे, और उसकी वजह से कितने सालों तक ऐसे बच्चे बॉर्न हुए जिनमें बहुत सारी फिजिकल और मेंटली डिसेबल्ड थे, ये सबने सुना है ना? बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, उनके डीएनए में ही, पेरेंट्स के डीएनए में ही इतने म्यूटेशंस हो गए कि ऐसे बोलते हैं ना कि फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन वैसे बॉर्न हुए थे, ये सबने सुना होगा, राइट? तो रेडिएशंस आर वेरी बैड, चाहे वो नेचुरल हो या तो मैनमेड हो। वो मैनमेड था, जो एटम बॉम्ब्स भेजे थे उसकी वजह से जो ये इफेक्ट आई थी। तो ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज ऑकर इन चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स हु हैड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर पेरेंट्स ने भी ज्यादा एक्सपोजर मिला है रेडिएशंस का, तो उनके बच्चे भी जेनेटिकली अबनॉर्मल हो सकते हैं। क्लियर है? आगे चले हम। यस मैम। सूरज की रोशनी, ये हिंदी में है, ये डिस्क्राइब करूं? मैंने आगे भी एक अच्छे से डिस्क्राइब किया था, वापस एक बार पढ़ूं या तो हम आगे जाएं? आगे किसी चलेंगे। को आगे चलेंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो पूरा हिंदी में वापस एक्सप्लेन करूंगी। एनीवन हु रिक्वायर्स हिंदी, वापस एक्सप्लेन करूं? चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं। सूरज की रोशनी से यूवी मानव में विटामिन डी को उत्पन्न डी के उत्पादन में महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत अधिक एक्सपोजर सनबर्न और संभावित स्वरूप में त्वचा कैंसर पैदा करता है। त्वचा के ऊतक यानी कि टिश्यूज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और डीएनए की क्षति भी, मरम्मत ठीक से नहीं की जा सकती। जो डीएनए में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉपर नहीं की जा सकती है, एक बार हो गए देन इट्स हैपेंड, वापस चेंज नहीं किया जाता। इसलिए समय के साथ कैंसर विकसित होता है और घातक हो सकता है। ओजोन परत की कमी से यूवी किरणों के संपर्क में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार त्वचा कैंसर का भी कारण बनता है। और जो हमने बोला ना कि जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज बच्चों में आ जाती है अगर उनके पेरेंट्स ज्यादा देर तक रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे बताई गई है। ओके, ये नया टॉपिक है, आई थिंक थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इट्स 3:40, तो हम पूरा जो हमारा पोल्यूशन का टॉपिक था थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है? कि आगे चलना है तो थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाए, नया टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, फाइन? रिवाइज कर लीजिए ना। यस, वेरी गुड, चलो रिवाइज ही कर लेते हैं। तो सिंपल, पहले तो हमने जो पोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, ओके, व्हाट आर द 5 पॉइंट्स वी आर कवरिंग इन पोल्यूशन? कौन से 5 मेन पोल्यूशन हम कवर करने वाले हैं? एनीवन प्लीज आंसर। प्रिया जी, पुष्पलता जी दिख रहे हैं मुझे, जो भी कोई भी आंसर करना, जब माइक्स खोल दीजिए। चलिए, मैम, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल सॉइल पॉल्यूशन, वेस्ट पॉल्यूशन, यस, एंड रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, यस, यस। ओके। हमने फिर पहले हमने पहले पोल्यूशन की पोल्यूशन की सबसे पहले सबसे पहले डेफिनेशन डेफिनेशन इको आ रहा है, इको शायद आर आई दीपाली मैम दीपाली मैम आपका दिख आपका रहा है दिख मुझे रहा है मुझे माइक पे। माइक खुला। पोल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी कि व्हाट इज पोल्यूशन, और वो एक लैंग्वेज, जो ओरिजिनल लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है उसका वर्ड है वो, लैटिन वर्ड लैटिन से वर्ड लिया, से, यस। और वो यस। और वो मेन वर्ड मेन क्या वर्ड है? क्या है? पोल्यू रिमेंस टू स्पॉइल और डिफाइल, यस 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 यस, वेरी गुड। ओके, तो हमने फर्स्ट देखा था एयर पोल्यूशन। ओके, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? व्हाट आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन?
आउटडोर एयर आउटडोर पॉल्यूशन इंडोर, और इंडोर एयर पॉल्यूशन। यस वेरी गुड। आउटडोर पोल्यूशन एंड इंडोर। आउटडोर में क्या क्या कवर किए थे हमने? एनी 1 2 पॉइंट्स आप बोल पॉइंट्स आप दें। बोल रहे, स्मोक, पार्टिक्यूलेट्स, एसिड यस रेन एंड ग्रीन हाउस ग्रीन गैसेस। हाउस ग्रीन हाउस गैसेस, गैसेस वेरी गुड। और इंडोर में भी हमने बोला था, मैंने लिखा नहीं था बट नहीं आई था बट टोल्ड आई यू, टोल्ड यू। परफ्यूम, परफ्यूम अगरबत्ती, सिगारेट हटके का मगरबत्ती, धुआं। अगरबत्ती यस बोले थे, स्मोकिंग। यस वेरी गुड। फिर कॉजेस क्या है, किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है? टाइप्स तो हमने देख स्टोर से लिए। देख लिए, नेचुरल सोर्सेस से भी होता है, ह्यूमन सोर्सेस यस से भी होता है। यस यस नेचुरल नेचुरल सोर्सेस जैसे सोर्सेस जैसे कि कि ह्यूमन सोर्सेस, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, वाइल्ड या फायर्स, वोल्केनोज, वोल्केनोज एंड बर्निंग डस्ट, फ्लेम्स, या या वोल्केनोज वोल्केनोज। वो, और क्या बोलते, वाइल्ड फायर वगैरह हमने नेचुरल सोर्सेस में डिस्क्राइब किए थे, और ह्यूमन सोर्सेस में पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, फ्यूम्स वगैरह हमने ह्यूमन सोर्सेस में। वेरी गुड। और इफेक्ट क्या होती है? दो टाइप की इफेक्ट आती है राइट एयर पोल्यूशन। किन किन चीजों को ज्यादा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ह्यूमन इफेक्ट? इफेक्ट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। यस वेरी यस गुड। वेरी गुड। ह्यूमन बींग्स ह्यूमन को क्या बींग्स को होता क्या है? होता है? डिसीजेस लाइक अस्थमा। यस वेरी यस गुड। वेरी गुड। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स लाइक एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, या हेस्ट, एक वाइल्ड लाइफ, एक एक मिनट एक मिनट इन्फ्लेशन। एक मैम मिनट इसमें आगे वाली यस हेल्प कर यस दीजिए यस मैम। यस एक मिनट। हाँ एक मुझे करेक्शन करवाना है प्लीज, जिन्होंने नोट्स लिखे हैं, मैंने स्लाइड तो चेंज कर दी है, मैं पीछे जाके भी दिखाऊंगी। जो हमने यूट्रोफिकेशन एयर पोल्यूशन में डाला था, प्लीज उसको कट कर दीजिए। वी विल पुट दैट यूट्रोफिकेशन इन वाटर पोल्यूशन। ओके मैंने चेंज कर दिया है, दिख रहा है सभी को? आई विल पुट दिस यूट्रोफिकेशन इन वाटर पोल्यूशन। मैंने पूरे नोट्स चेंज किए, मुझे दिख रहा था कि मुझे कुछ कंफ्यूजन था, तो एयर पोल्यूशन में नहीं आएगा, यूट्रोफिकेशन विल कम इन वाटर पोल्यूशन, मैंने बाद में ऐड किया है। दिख रहा है स्लाइड सभी को? क्लियर है? जी या आई हैव चेंज्ड इट, मैंने यहाँ से निकाल दिया, जो हमारा एयर पोल्यूशन था वहां से मैंने निकाल दिया है यूट्रोफिकेशन को, आई हैव रिमूव्ड हियर। ओके जी मैम, यूट्रोफिकेशन एड इन टू वाटर पॉल्यूशन। ओके नेक्स्ट हम जाएंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के दो टाइप हैं, एनीवन? मैम सरफेस और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, वेरी गुड। सरफेस जो कि सतह पे रहता है, एग्जाम्पल? जैसे ओशियन में, रिवर पे, अर्थ क्रस्ट पे, यस। उन पे आप और कचरा ग्राउंड वगैरह डाल वाटर देते में? हैं, यस ग्राउंड वो वाटर जो में अंदर चला वर्मिंग, जाता है, कुएं में जो हो गया, या यस जो अंदर एक्वाफर, लैंडफिल्स की वजह से हो रहा है, पेस्टिसाइड, सेप्टिक टैंक की वजह से। या नीरज जी ने जो पूछा था, एक्वाफर्स वो क्या रहता है? जो नीचे ग्राउंड लेवल पे पानी जमा होता है, दैट थिंग। ओके बाकी क्या है? कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन में हमने क्या देखे थे? पांच चीजें पॉल्यूशन, देखे थे डंपिंग, हमने। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट, ऑयल ऑयल ड्रिलिंग, ड्रिलिंग, सीयर, माइनिंग, माइनिंग, डंपिंग, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, मराइन, मराइन, एक्सीडेंटल ऑयल एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज, लीकेज, अर्बन अर्बन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एनिमल एनिमल वेस्ट। ये वेस्ट। पांच ये पॉइंट हमने कवर किए थे राइट। और वाटर पोल्यूशन में इफेक्ट क्या होती है? वाटर पोल्यूशन हो गया, कॉजेस भी देख लिए, दो टाइप भी देख लिए हमने, इफेक्ट क्या आता है अगर वाटर पोल्यूट हो मैम गया देन? वाटर की क्वालिटी कम हो जाएगी ऑर्गेनिक यस पॉल्यूशन की वजह से, डेथ हो जाएगी यस एक्वेटिक एनिमल्स की, डिजीजेस फैल जाएंगे, यस डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, और आपने जो यूट्रोफिकेशन अभी बताया, जो यस ग्रीन कवर आ जाता है नदी तालाब वगैरह। यस यस यूट्रोफिकेशन, वेरी गुड। ये पूरी चीजें इसके इफेक्ट है कि वाटर पोल्यूट हो चुका है राइट। तो प्रिवेंशन के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई गई है कि हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्या करना है हमें प्रिवेंशन के लिए। तो प्रॉपर हम केचर, आप ही कोई बोल दीजिए। चलिए आई थिंक सीवेज पॉइंट्स ट्रीटमेंट लिखे हो गया, सब। यस वेरी गुड। रूटीन क्लीनिंग, प्रिवेंटिंग ऑफ रिवर वाटर टू गेट पॉल्यूटेड, हम जो कचरा डाल देते हैं और यस यस नॉन डिकम्पोजेबल चीजें डाल देते हैं, वो दे आर ऑल कॉजिंग पॉल्यूशन। यस तो उनको प्रिवेंट करना चाहिए राइट। तो आज के हमने जो दो किए उसके हम जाएंगे जो लैंड पोल्यूशन है। ओके लैंड पोल्यूशन पे आ गए हम। लैंड पोल्यूशन क्या है? सॉइल और मिट्टी की सतह को जो खराब कर देते हैं, या तो क्वालिटी लो हो जाती है, उसे हम लैंड या तो सॉइल पोल्यूशन कहेंगे। तो उसके कॉजेस क्या है लैंड या तो सॉइल पोल्यूशन के? स्लाइड नहीं चेंज करूंगी मैं, बोल दीजिए कोई भी। डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, यस माइनिंग एक्टिविटी,
ओवरक्राउडेड लैंडफिल्स, न्यूक्लियर और यस सीवेज यस और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और सोइल इरोशन भी सीवेज है। ट्रीटमेंट भी है। यस सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जो गंदा पानी की ट्रीटमेंट है वो हाँ भी खराब कर देता है ना मिट्टी को, वो ऐसे ही छोड़ यस, देते हैं। न्यूक्लियर या प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट तो मेन कारण है मैम आज के समय में। यस 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 न्यूक्लियर वेस्ट सभी चीजें है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आ गया वो लैंडफिल ही आ गए ना, ओवरक्राउडेड लैंडफिल्स, दैट मीन लैंडफिल्स मतलब कचरा प्लास्टिक का एक डिकम्पोज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो डिकम्पोज मैम ही सब नहीं हो रहा है। पोल्यूशन के लिए तो फिर मानव ही जवाबदार है। तो इसलिए तो 3 R बोलते हैं ना कि एक्चुअली जो हम है ना, हम ही पॉपुलेशन है ना, तो हमें ही 3 R फॉलो करने हैं, राइट, हमसे ही नहीं मैम, चालू ये जो करेंगे। मैम यहाँ पे ऑफ द ट्रैक के क्वेश्चन है, हमें सबको मालूम है कि जो नॉन डिकम्पोजेबल चीजें हैं वो गलती नहीं है, तो ये तो जब यस बनाई जा रही थी जब भी मालूम था ना, फिर इनका इन्वेंशन क्यों करा गया, या अब जब मालूम है तो बिल्कुल 100% बंद क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट। इन्वेंशन तब होता है जब जरूरत होती है, राइट, कि ये चीजों की जरूरत थी, इससे काम नहीं चल रहा था, तभी भी इन्वेंट न्यू थिंग्स फॉर अवर कंफर्ट। इन्वेंशन कब करते हैं? हमारे कंफर्ट लेवल के लिए हम इन्वेंट करते हैं, राइट ना, कि इससे प्रॉब्लम हो रही है तो लेट्स डू समथिंग कि हमें इजीली ये हो जाए तो। पर ये नहीं देखते कि ये चीज के इन्वेंशन से कोई भी चीज पॉजिटिव या तो नेगेटिव साथ में ही लाती है, ये तो फैक्ट है ना, लाइफ का फैक्ट है, अकेली नहीं आती है। तो अगर हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ रहा है तो कुछ नुकसान भी तो हो रहा है ना साथ में, राइट, तो इन्वेंट तो हो गई है, अभी हमें आदत भी लग गई है, तो एटलीस्ट हम 3 R को फॉलो करके रेड्यूस रीयूज और रिसाइकल उतना तो कर सकते हैं ना। मैम लेकिन गवर्नमेंट तो पूछ का पूरा प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं ना, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक यस बने ही ना, वो तो है, वो तो है, पर बहुत सारी चीजों में प्लास्टिक जरूरी उसमें है। पॉलिटिक्स है मैम, इसीलिए तो कुछ। यस यस तो हम इफेक्ट पे चलेंगे कि लैंड तो पोल्यूट हो चुकी है, कॉजेस भी हमने देख लिए, तो फिर इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या परिणाम होगा उसका, लैंड पोल्यूशन या तो सॉइल पोल्यूशन मैम का। सॉइल पोल्यूशन, गंदगी, टूरिस्ट कम आएंगे, यस ह्यूमन हेल्थ, टोटली वाइल्ड लाइफ, पूरी पूरी सब चीजों पे, अपने रूटीन सब आजू बाजू सब पे खराब असर आएगा। तो उसके प्रिवेंशन के लिए 3 R ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 R, ऐसे भी एमसीक्यू में पूछा गया है। 3 R व्हाट आर द रिड्यूस, थ्री आर रीयूज, रिसाइकल। रिसाइकल। रिड्यूस सोइल्स टेस्ट, रीयूज थिंग्स और रिसाइकल थिंग्स। या ओके वेरी गुड। लास्ट वाला हमारा आज का टॉपिक था नॉइस पोल्यूशन। ओके तो हम क्या बोलेंगे, नॉइस पोल्यूशन एक सामान्य लेवल से जब आवाज बढ़ जाती है देन वी कॉल इट इज नॉइस पोल्यूशन, या तो शोर बोलते हैं, राइट। ओके सो और उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द डेसिबल, मेजर। डेसिबल, डीबीए, यस डीबीए। DBA इज अ रीसेंट यूनिट, और ये साइंटिस्ट एक है, उनको ऑनर या तो रेस्पेक्ट देने के लिए ये डेसिबल यूनिट उनके नाम से रखा गया था। हु इज दैट साइंटिस्ट, अलेक्जेंडर ग्रैनहम बेल। ग्रहम बेल। ओके उनके ऑनर में ये यूनिट रखा गया था नाम, मैम फिर वो इकोसेन बोला था, वो क्या है इकोसेन? क्या उसके पहले आपने इकोसेन भी लिखा है ना, इकोस इकोसेन इज अवॉर्डेड एज अलेक्जेंडर, ऐसा कुछ तो भी था। ये वाला साउंड इज मेजर्ड इन मेजर इयोसेन। कहाँ पे लिखा है, चूजन। ओह चूजन एक ओ मिसिंग है। द यूनिट वॉज ओके चूजन वो इन द चूजन ही है, मुझे ऑनर वो कुछ ऑफ, ये लैटिन वर्ड चूज ऐसे लगा। नहीं नहीं इट्स मिसिंग, चूजन इन द ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर ग्रहम बेल हु इन्वेंटेड टेलीफोन। ओके क्लियर है, और उनके मैम सोर्सेस वो क्या जो है। पिच बोला ना आपने, तो वो बोला है कि पोजीशन ऑफ अ सिंगल साउंड हाँ मतलब कॉल्ड एक हाई पिच। पिच रहती है, आई कैन डिस मुझे हिंदी वर्ड प्रॉपर नहीं, पिच को क्या बोलते, कोई किसी को मालूम है कि हाई पिच, पिच क्या है प्रॉपर हिंदी मैम वर्ड। गूगल तो उतार चढ़ाव एक वर्ड दिखा रहा है, देखिए यस उतार चढ़ाव एकदम पीक लेवल पर और एकदम लो पर। जबकि स्वर बोलेंगे, सुर जो बोलते हैं वो हाई पिच का, जैसे बोलते हैं गाते हैं पिच स्वर को, हाई लेवल को, ऊंचा सुर स्वर, नहीं, ऊंचा स्वर, सुर स्वर की नहीं इस, हाँ एक पिच में ऊंचाई और नीचे उसका ये होता है। ऐसे हाई पिच और लो पिच में बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो दोनों पिच में गा सकते हैं, नहीं तो जनरली ऐसी टैलेंट रहता है कि हाई पिच और तुरंत लो पिच में गाना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, राइट।
किशोर कुमार वगैरह वैसे थे जो एकदम हाई पिच और लो पिच में भी गाना गा सकते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड बट पिच आप देख आवाज लीजिए। का मैम, उसमें तो आवाज का हाँ चढ़ाव और हाँ उतार हाँ बोला है। यस यस दैट इज मे बी वो बोलते होंगे राइट। तो सोर्सेस क्या है, पिक्चर्स में भी दिख रहा है ये तो। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन? मैम इंडस्ट्रीज है, व्हीकल, व्हीकल्स हैं, और जितने ट्रैवलर्स, शादी में डिस्को इंडस्ट्रीज। डांस लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, यस यस एवरीथिंग एयरक्राफ्ट। आर नॉइज पोल्यूटेंट राइट, सभी चीजें। और इन सारे नॉइज पोल्यूशन पे हमारी ऊपर इफेक्ट क्या होती है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन? वातावरण पे भी इफेक्ट होती है और हम पे भी इफेक्ट होती है, तो क्या है हार्ट वो रेट, इफेक्ट? हियरिंग लॉस, मैम मास्किंग हियरिंग क्या चीज लॉस, होती है? मास्किंग मास्किंग। एक देखिए, बर्ड्स और एनिमल्स की एक खुद की लैंग्वेज होती है, अगर हम उन्हें सुन पाते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो इन लैंग्वेजेस को सुनते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि उनकी एक आवाज रहती है, ध्वनि की। बाय एग्जांपल, कभी एक मंकी रहता है राइट, वो जंगल में रहते हैं, तो अगर उसे कोई एनिमल दिख जाए जो शिकार करने आ रहे, तो एक अलग टाइप का आवाज निकालेगा और उससे दूसरे बहुत सारे एनिमल्स अलर्ट हो जाते हैं। नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा, ये पास ऑन करते हैं आवाज एक दूसरे को। देखा है क्या किसी ने? मास्किंग मीन्स टू लर्न और टू हियर दैट नॉइज। बट अगर शोर इतना बढ़ जाता है, देन वी कैन नॉट हियर दैट नेचुरल साउंड। जो नेचुरल साउंड है वो हम सुन नहीं पाते हैं, दैट इज ठीक है नोन मैम, एज ठीक है, या राइट। हाँ मैम, परिफेरल और हार्ट रेट बढ़ता है, फिर हेडेक होता है। ब्रीदिंग पैटर्न हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, हेडेक, यस डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। यस वो चीज हमने देखी। और लास्ट में हमने क्या देखा? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, लास्ट वाला, जो रेडिएशन जनरेट करते हैं। नेचुरल चीजें भी है जैसे कि सन, रेडॉन, और आर्टिफिशियल चीजें जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स, जो रेडियो एक्टिव रेज निकालते हैं। तो उनके सोर्सेज हमने देखे राइट, क्या है उनके आर्टिफिशियल सोर्सेज? देखे हैं किसी ने मैम वो सोर्सेस? स्क्रीन एक बार वापस बता दीजिए, आर्टिफिशियल वाली। आर्टिफिशियल यस, में तो वो ही आए अपने, कहाँ गए? हिंदी, रेडिएशन, एक्सप्लोजन, प्रोडक्शन, यस, डीकमिशनिंग, न्यूक्लियर का ही यस सब कुछ। यस मैम, इसके यस बाद भी कोई स्क्रीन है रेडियो एक्टिव की है? यही है। दिस वन अच्छा, ये तो हिंदी वाली है बस। ठीक है यस। मैम, बाकी हम नया टॉपिक, फिर ये पोल्यूशन है जो ऐसे होता है, क्या चीजें होती है यस। राइट। ओके ये लिखना है किसी को, स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। मैम इफेक्ट्स को लिखना है एक बार, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड मैम कर दूँ? इफेक्ट्स इफेक्ट्स यस लिखना है। यस यस ओके यहाँ तक सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब तक हमारा जो सिलेबस कवर हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मैं अभी पीडीएफ पे काम कर रही हूँ, मतलब पीडीएफ आई थिंक इतना शेयर करने वाली हूँ अभी, क्योंकि डेफिनेशंस भी हिंदी में आ चुकी है, तो इतना कर दूंगी तो इजी जाएगा, आप रिवाइज कर पाओगे राइट। मैम मेरा यस कल एयर पोल्यूशन छूट गया था, स्क्रीनशॉट मिलेगा क्या? हाँ, आगे जाना पड़ेगा आई थिंक, नहीं तो मैं एक दो दिन रुक जाएंगे क्या? मैं पूरी पीडीएफ ही भेज दूँ तो आपको ठीक इजी है मैम, जाएगा। ओके एयर मैम। पोल्यूशन बहुत ही आगे है और टाइम भी हो चुका है आई थिंक, तो हम एंड एयर करेंगे। पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन की वीडियो भी डल चुकी है मैम यूट्यूब पे, हाँ यस यस डाल दी है मैंने, कल कल का भी आ गया है ना? कल अपलोड हो चुकी है वो। यस यस ओके बाद में हम डाल देंगे, आप देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में लेते, अगर नोट्स बनाने हैं बाद में मैं डाल तो दूंगी राइट। ठीक है मैम, या हम ओके मैम। कंक्लूड करें मैम आज का अगर आपकी सेशन? पीपीटी मिल गए तो नोट्स बनाने की जरूरत तो नहीं लग रही है हमें? आपकी नहीं लग पीपीटी रही भी इतने है अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड है। मैम, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं, जब हम खुद लिखते हैं, तो मैं भी राहुल सर के क्लास अटेंड करती थी, पर मैं खुद के नोट्स खुद बनाती, सर देते ही है, बट थोड़े अपने भी एफर्ट्स होने चाहिए, वो बहुत आपको काम आएंगे बाद में। और छोटी छोटी चीजों पे लिखो तो एक नजर में आप पूरे पॉइंट्स एक साथ कवर अप कर सकते हो राइट, वो बहुत इजी जाएगा आपको, ये अभी नहीं बाद में समझेगा, जब एग्जाम आएगी ना तब एक बार फटाफट आपको रिवाइज करने में आपके ही नोट्स काम आएंगे। ओके ओके मैम, हम कंक्लूड करें आज का सेशन, रिकॉर्डिंग जो भी कोई कर रहा है प्लीज बंद कर दीजिए। ओके थैंक यू एवरीवन, 5-10 मिनट रेस्ट ले लीजिए, तब तक सर आ जाएंगे राइट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।